तो दोस्तों आप इधर देख सकते हो इतने सारे हेलमेट थे इधर इधर स्टर्ट्स के और इधर वेगा के, ये सब ऊपर के रेंज में है ना, ये दो नंबर लाइन। तो हे दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो फिर आज हम छोटा सा ही ब्लॉग बनाने वाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले। तो फिर आज हम अपने हेलमेट को ब्लैक कलर की विंड शील्ड बिठाने वाले हैं, मतलब ब्लैक कलर का जो कांच रहता हमारा वो ब्लैक करने वाले हैं। तो फिर आज हम वही करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जल्दी से चलते हम अपने वेगा के शोरूम में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो। और फिर चलते हैं आपकी बड़ी गाड़ी में और हमारा दोस्त आपको ना जाए शायद, तो फिर वो उधर पहुंच चुके हैं अभी से, जो हम भी पहुँचना बाकी उधर। उसने भी बिठाया था ब्लैक कलर का व्हील सीट, तो फिर मेरे को बहुत पसंद आया, तो फिर मैंने सोचा कि मैंने भी बिठा लेता हूँ। तो फिर चलते दोस्तों, उनका ही कॉल आ रहा है यार, इनको थोड़ा भी खबर नहीं होता यार, एक तो कितनी ट्रैफिक है ऊपर से। तो दोस्तों आप इधर देख सकते हो इतने सारे हेलमेट्स थे इधर इधर स्टर्ट्स के और इधर वेगा के, ये सब ऊपर के रेंज में है ना, ये दो नंबर लाइन। तो दोस्तों आप इधर देख सकते हो कितने सारे राइडिंग गियर्स वगैरह, ग्लव्स भी है इधर बहुत अच्छे वाले। अगर आपको भी विजिट करना होता है तो आप इधर अशोक स्तंभ के सामने आ सकते हो, इधर अशोक स्तंभ के एकदम एग्जैक्ट सामने, और उस साइड देख सकते हो आप बहुत सारे हेलमेट है। तो हम दिखा दें इनमें, ये सब 2000 के करीब मिल जाएंगे, और ये ऊपर के थोड़े से महंगे 100 के, ज़्यादा नहीं 5000 के। और फिर आप देख सकते हो इधर सिंपल वाले हेलमेट्स लगे हुए हैं, और इधर बहुत सारे हेलमेट्स लगे हुए हैं अपने SMK के। ये हेलमेट बड़ा सही है, हम लेंगे ये बहुत जल्दी। और इतने सारे जूते ने मेरे हाथ पे बैग थैला पकड़ दिए है थैला अपना। और इधर ऑफ रोडिंग हेलमेट देख सकते हो आप, इधर इतने सारे हेलमेट है इधर। तो विज़िट करो दोस्तों, अगर आपको चाहिए होगा तो आप देख सकते हो इधर XR के हेलमेट अच्छे से लगाए हुए। और अपने भाई को कैलाश को, जो कि ड्रीम KP इसका चैनल का नाम है, और इधर ये MH15 उल्फ इसका नाम है यूट्यूब चैनल का। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका चैनल का नाम डाल दूंगा, आप जाके सब्सक्राइब कर देना। अरे दान अरे भाई इतना ही क्या। तो दोस्तों आप देख सकते हो पहले हमारी हेलमेट की कांच ऐसी है, थोड़ी शाइन कर रही है, और इसमें स्क्रैचेस भी पड़ रहे हैं हमारे हेलमेट के। तो फिर हमारे बनी वाला हेलमेट ये भी 2000 के आसपास मिल जाएगा आपको, तो आप देख सकते हो। तो फिर देखते हम, और आप देख सकते हो इसका हेलमेट, इसने भी ब्लैक कलर का, हाँ इसका हेलमेट है हाँ। तो फिर इसने भी ब्लैक कलर का कांच बिठाया है, जो कि बहुत कूल लग रहा है। और इसका ऑफ राइडिंग का गॉगल देख सकते हो, दिखा रहे भाई। और इसका ऑफ रोडिंग का हेलमेट देखो आप, क्या सही लग रहा है। और ये भी हमारे जैसे ही, वो जो पिछला हेलमेट दिखाया था मैंने, ये भी उसी टाइप का इसने लिया है। तो फिर देख सकते हो आप इसका भी, अगर आप चाहते हो तो ऐसा भी ले सकते हो, नहीं तो आप इस पे दो। मैं बट मैं ये पिछली बार भी वीडियो में बोला था कि इससे अच्छा आप यही लो, क्योंकि ये ढीला आता है अपने फेस के इधर ये। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हो ऐसा ब्लैक कलर का कांच है, अभी अंकल बिठेंगे अपने ईटे हो गए। हाँ तो गाइज आप देख सकते हो ब्लैक कलर का कांच अपना, ये 250 तक मिल जाएगा आपको वेगा के शोरूम में। थोड़ा कम करके, कम तो नहीं करते बट फिर 250 तक मिल जाते हैं। अभी वो बिठाने वाले बिठाएंगे ही ना यार, ले रहा हूँ तो क्या, मैं भी बात कर रहा हूँ। अंकल बिठा रहे अभी वो कांच, सही लगेगा ऐसा लग रहा है मेरे को। और अंकल ने बिठा भी दिया 2 मिनट में, बंगर वाले को बुला रहे हैं अंकल, का अनबॉक्सिंग करेंगे नई विंड शील्ड का। और आप देख सकते हो यार कितना प्यारा लग रहा है हमारा ब्लैक हेलमेट, वाह। फोन पे करता हूँ, हॉटस्पॉट देना। अबे साले जो, माफ़ करना मैं। और ये पिंके दिख रहे हम पहले अंकल को, मस्त वाटते इड़े हो ना। चल तो दोस्तों अभी हम हमारे घर के इधर आ चुके हैं। तो फिर यही था हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग, मिनी ब्लॉग बोल सकते हो आप इसको। और मैं आपको एक मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिलवाना चाहता हूँ, जो कि पीछे है, उसके पास NS160 है, 2016 या 17 मॉडल है उसके पास।
आप देख सकते हो उसकी गाड़ी, और ये चीतल हो गया हमारा, हाई बोल दो भाई। तो यही अपने खास दोस्त जो दो लोग हैं वो मेरे लाइफ में बहुत मैटर करते हैं, इम्पोर्टेंट है, बहुत गहरी दोस्ती हमारी। और ये देखो भाई, इसको क्या हो जाता है क्या पता मेरे को, मेरे मतलब ऐसे बोलता ना, मेरे को देखकर इसको गाड़ी पकड़ने का बड़ा मन करता है। तो फिर दोस्तों अगली बार हम इन दोनों का ड्रैग रेस करने वाले एक छोटा सा, तो फिर बने रहिए वीडियो में। अगर आपको वो ड्रैग रेस देखना होगा, हाँ ये देखो अभी सही दम दिखा रहा है, तो फिर आपको अभी आपको ड्रैग रेस देखना होगा अगली वीडियो में, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, आपको जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों। तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको ये मिलेगा। और पुलिस वाले भैया एक शिकार की तलाश में, और ये देखो भाई जब से इनके हाथ लाइसेंस लगा है ना तो डरते नहीं भाई किसी से। तो चलते हैं दोस्तों, बस यही था आज का ब्लॉग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, लव यू ऑल दोस्तों, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ठीक है। तो थोड़ा सा एक रेस हो जाए लास्ट के लिए।